इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में देख रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना चैप्टर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर 3 है ये, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये देखेंगे हम लोग। 3.2 देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 3.3 देखेंगे हम लोग गैमेटोजेनेसिस। 3.4 देखेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। 3.5 है ये फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये देखेंगे। और 3.6 में हम लोग देखेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये जो चैप्टर थ्री है ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग चैप्टर 3 में देखेंगे जो क्या क्या फेजेस हैं, क्या क्या इवेंट्स हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग पहला डिस्कशन शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे पैचुरेशन एंड लैक्टेशन, ये हम लोग देखेंगे। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग जैसे कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, फीमेल मेल एंड फीमेल गैमिट्स ज़रूरी हैं। तो ये ह्यूमन के बारे में हम लोग ये देखते हैं, ये ह्यूमन जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दूसरा और जो है ह्यूमन जो है वीविपेरस है, ये अपने बच्चों को स्वयं दूध पिलाता है, और यंग वन को अपने जैसे बच्चे को वो जन्म देता है। तो ह्यूमन के बारे में रिप्रोडक्शन में जो 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ये कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और ह्यूमन वीविपेरस है, यंग वन को अपने जैसे यंग वन को वो जन्म देता है, तो वो वीविपेरस है और अपने बच्चों को दूध पिलाता है। रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमन बीइंग में, रिप्रोडक्शन में कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं। रिप्रोडक्शन की जो टोटल साइकिल है उसमें कुछ स्टेप्स हैं जिसको रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कहते हैं। ये यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। सबसे पहले जो है गैमिट बनता है, गैमेटोजेनेसिस ये होता है, दैट इज़ अ स्पर्म इन मेल बनता है और ओवम इन फीमेल बनता है। तो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो हैं, तो क्या क्या इवेंट्स हैं, तो नंबर 1 में इवेंट्स जो हैं ये गैमेटोजेनेसिस हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग जानते हैं कि स्पर्म एंड ओवा जो है ये बनेगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। ये स्पर्म बनता है और ये ओवम बनता है फीमेल में। स्पर्म किस में बनता है, मेल में बनता है, और ओवम किस में बनता है, तो ये फीमेल में बनता है। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो ह्यूमन में इवेंट्स हैं तो उसमें पहले नंबर का स्टेप जो आ गया वो गैमेटोजेनेसिस हुआ। पहला नंबर का ये गैमेटोजेनेसिस हो गया, स्पर्म बन रहा है मेल में और ओवम बन रहा है ये फीमेल में। उसके बाद जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ मेल और फीमेल जो गैमिट्स हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक, ये जो है दूसरी इवेंट होती है, इसको इंसेमिनेशन कहते हैं। पहला इवेंट हमारा था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल था एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल। और दूसरा हमारा जो इवेंट है वो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक।
फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में स्पर्म जा रहा है, इसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। ये दो नंबर का है इवेंट। पहला नंबर का इवेंट था गैमेटोजेनेसिस, पहला नंबर का इवेंट था क्या इवेंट था, रिप्रोडक्टिव इवेंट। तो अभी हम लोगों ने एक नंबर देखा गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद हम लोगों ने दो नंबर में देखा, दो नंबर में क्या देखा, इंसेमिनेशन। ये इंसेमिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक। फीमेल जेनाइटल ट्रैक में ये हो रहा है तो इसको जो है इंसेमिनेशन कहते हैं। तो पहला नंबर में हम लोगों ने देखा कि ये गैमेटोजेनेसिस हो गया, दूसरा नंबर में हम लोगों ने देखा कि इंसेमिनेशन हो गया, तो तीसरा नंबर में जो है फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, तो ये तीसरे नंबर में फर्टिलाइजेशन आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने देखा एक नंबर में जो है गैमेटोजेनेसिस था, दो नंबर में जो है इंसेमिनेशन था, तीन नंबर में अब देखें हम लोग फर्टिलाइजेशन, तीन नंबर में ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, ये जायगोट बन जाता है। पहला नंबर में गैमेटोजेनेसिस है, दूसरा नंबर में जो है इंसेमिनेशन है, तीसरा नंबर में फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बन रहा है। दिस आगे बता रहा है कि दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट्स, ब्लास्टोसाइट्स बन रहा है एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल। ये यूटेराइन वॉल में जाके जो है ये जाके वहाँ पे अटैच हो जा रहा है। तो ये चौथा नंबर में जो है ये इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसाइट्स जो है जाके यूटेराइन के वॉल में अटैच हो गया ये, तो ये चौथा नंबर में आ गया प्रोसेस इम्प्लांटेशन। तो अभी तक हम लोगों ने देखा नंबर वन गैमेटोजेनेसिस, नंबर टू इंसेमिनेशन, नंबर थ्री फर्टिलाइजेशन एंड नंबर फोर जो है ब्लास्टोसाइट्स जो है यूटेराइन के वॉल में अटैच हो गया, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये सारी जो थी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं। पहला नंबर में हम लोगों ने देखा गैमेटोजेनेसिस है, ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो रहा है। दूसरा नंबर में है ये इंसेमिनेशन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। और तीसरे नंबर में देखा हम लोगों ने ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। चौथे नंबर में देखा कि ये जो ब्लास्टोसाइट्स बन रहा है, जायगोट बनने के बाद डेवलप होने के बाद ब्लास्टोसाइट्स बना और ये जाके यूटेराइन के वॉल में अटैच हो गया, तो इसको चार नंबर में इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये इम्प्लांटेशन होने के बाद ब्लास्टोसाइट्स डेवलप करके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये पांचवा नंबर जो है गैस्ट्रेशन, ये पांचवा नंबर गैस्ट्रेशन का होता है, पांचवा नंबर ये गैस्ट्रेशन का होता है। उसके बाद जो है बेबी जब मैच्योर करता है तो डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है, तो ये फिर छठा स्टेज ये पार्चुरेशन कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग ये देखा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हम लोगों ने देखा। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आफ्टर प्यूबर्टी, ये जो प्यूबर्टी है उसके बाद जो है ये होता है इवेंट, प्यूबर्टी के बाद ये होता है। देर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड द फीमेल, दोनों में जो है अंतर है। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन, जो स्पर्म है अगर आदमी 80 साल का है 70 साल का है तो उसमें भी जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। बट द फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन वोमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर, लेकिन फीमेल में जो है 50 ईयर में ओवम का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं डिफरेंस मेल एंड फीमेल के बारे में। मेल में स्पर्म फॉर्मेशन जो है कंटिन्यूस इवन इन ओल्ड एज, 60 साल में भी होगा 70 साल में होगा, लेकिन बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन ओवम अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर, लेकिन 50 साल में जो है 40 से 50 साल में या 45 से 50 साल में हम लोग कहें 50 ईयर में जो है ये ओवम का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे मेल एंड
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या क्या है। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में हम लोगों ने देखा, नंबर वन देखा गैमेटोजेनेसिस, ये, और नंबर टू हम लोगों ने देखा इंसेमिनेशन, नंबर थ्री जो है ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसके बाद नंबर फोर में हम लोगों ने देखा इम्प्लांटेशन, नंबर फाइव में हम लोगों ने देखा गैस्टेशन, और नंबर फाइव में गैस्टेशन ये देखा हम लोगों ने, और नंबर सिक्स में जो है पाश्चुरेशन, बच्चा जब डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है तो ये होता है। तो ये गैमेटोजेनेसिस क्या है, ये गैमेटोजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स है, तो स्पर्म इन मेल है एंड ओवम इन फीमेल है। दूसरा है इंसेमिनेशन, जो स्पर्म है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में आएगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, ये है इंसेमिनेशन। इसके बाद जो मेल एंड फीमेल गैमिट्स ये हो गया, तो तीसरा स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन। ये क्या है फर्टिलाइजेशन, ये फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स है, ये हो गया, तो इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जो जायगोट बना है, वो क्या करेगा, जायगोट ये यूटराइन के वॉल में अटैच होगा और उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, ये चौथा जो है ये इम्प्लांटेशन। तो ये जो ब्लास्टोसाइट्स है आगे डेवलप करेगा, डेवलप करने के बाद जो है ये एम्ब्रियोनिक इसमें डेवलपमेंट ये होंगे, तो इसको पांचवा में गैस्टेशन पॉइंट हो गया। और गैस्टेशन ये कंप्लीट होता है जो 9 मंथ का डिलीवरी टाइम होता है, उसके बाद ये डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है, तो ये छठा जो है पार्चुरेशन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को देखा। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में है नंबर वन गैमेटोजेनेसिस, नंबर टू इंसेमिनेशन, नंबर थ्री फर्टिलाइजेशन, नंबर फोर जो है इम्प्लांटेशन, नंबर फाइव गैस्टेशन, और नंबर सिक्स पार्चुरेशन है। पार्चुरेशन क्या है, डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। एक बार फिर मैं जो है नंबरिंग करने की प्रयास करता हूँ, आप बताइए नंबर वन क्या होगा। तो ये नंबर वन गैमेटोजेनेसिस, नंबर टू इंसेमिनेशन, ये गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे हो गया, नंबर टू इंसेमिनेशन, और नंबर थ्री जो है ये फर्टिलाइजेशन हो गया, और नंबर फोर जो है ये इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन ये यूटेराइन वॉल में जो लगता है ब्लास्टोसाइट्स इम्प्लांट होता है, सट जाता है वहाँ पे, अपना न्यूट्रिशन लेता है ये ब्लास्टोसाइट्स, ये इम्प्लांटेशन हो गया। और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है इसको हम लोग 5 स्टेज बोलते हैं, गैस्टेशन, और डिलीवरी ऑफ द बेबी है ये आपका छठा पॉइंट है, पार्चुरेशन। तो इस तरह से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हम लोगों ने देखा, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, तो ये 6 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे कि मेल और रिप्रोडक्टिव, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ये डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स हैं, और ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके बाद जो है हम लोग मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने के बाद टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या स्ट्रक्चर टेस्टिस में है, ये हम लोग स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग एंगल में जो है वो किस तरह से हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये मैमरी ग्लैंड भी आता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर गैमेटोजेनेसिस वगैरह के बारे में, कैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस क्लास के बारे में केवल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में हम लोगों ने देखा।